नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ट्रेवल टू उत्तराखंड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की ये वीडियो कुछ अलग होने वाली है। इस वीडियो में हम अपने ट्रेवल एजेंसी जो हमने सर्विस दी थी, अपना यात्री है हमारे चारों वुमेन्स है, तो उनका जो भी यात्रा में हमने सर्विस दी है और उनकी यात्रा किस प्रकार रही है तो वो वीडियो में हम आपको बताएंगे। चारों वुमेन्स है और जो कि पश्चिम बंगाल कलकत्ता से आई है और उन्होंने बड़ी ही हिम्मत का काम किया है, क्योंकि आप देख सकते हैं इस समय बरसात का समय था और केदारनाथ में स्थिति थोड़ा सा टिपिकल बनी हुई थी। इसी बीच में यात्रा करके वापस आए हैं और हमारे अभी ऑफिस में बैठे हैं, तो अब हम जानते हैं इनसे जो है हमारी ट्रेवल एजेंसी से इन्होंने जो सर्विस ली थी उसके बारे में और इनका चारधाम यात्रा जो किस प्रकार रही है वह सब जानकारी लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। एक्चुअली हम लोगों का यात्रा बहुत सफल हुआ है, हम लोग बहुत हिम्मत करके ऊपर गए थे। और रह गई बात, मैं कोलकाता से मोबाइल में फेसबुक से देख के एक चारधाम यात्रा के लिए पैकेज ली थी। लेने के बाद जब मैं स्टेशन में आई तो उन लोगों के साथ मेरा कांटेक्ट हुआ, उनका गाड़ी खराब हो चुका था। इमरजेंसी में मैंने कुछ भी नहीं पाया, मैं आके स्टेशन में 2-3 घंटा वेट की, उसके बाद भी उनका गाड़ी नहीं मिला मेरे को। लास्ट में मैं रात को 12:30 बजे अमित भैया को यूट्यूब में देख के मैंने फोन लगाया। 12:30 बजे रात को उन्होंने मेरे लिए अरेंज कर दिया। उसके सुबह में ही मैं चार धाम यात्रा के लिए निकली, उन्होंने सब मेरे को अरेंज करके दिया। एक्चुअली चार धाम यात्रा के लिए गाड़ी प्लस होटल सब कुछ, मैंने जो एजेंसी में आता है ऑल पैकेज, फुल पैकेज, लॉजिंग, फूडिंग और यात्रा, तीनों चीज मेरा फाइन था। और जब मैं गई वहां घूमने के लिए, मेरे को मन में ऐसा साहस आ रहा था लेकिन डर भी था, क्योंकि बारिश हो रही थी, वहां पर बहुत सारे स्लाइडिंग हुए थे। स्लाइडिंग के दौरान हम लोग भी फिर भी हिम्मत करके हम लोग चढ़े, चार लेडीज हम लोग जैसे गए थे वैसे सुरक्षित आए। और भैया का जहां वेटर हम लोग को होटल दिया गया वहां पर सब कुछ हम लोग को बहुत अच्छा मिला, और वहां से आने के समय भी हम लोग को सुविधा मिला और आज भी हम लोग को सुविधा बहुत अच्छा है। मैम, तो केदारनाथ में जैसा कि वो लोग भी देख रहे होंगे वीडियो के माध्यम से कि स्थिति थोड़ा टिपिकल बनी हुई है, क्योंकि बारिश तो होने के कारण और सोनप्रयाग से गोरीकुंड का जो बीच का रास्ता है वो भी ज्यादा डैमेज था, और जिस दिन आप जा रहे थे तो उस दिन तो बारिश हुई थी और लैंडस्लाइड भी हुआ था। तो आप लोग पहुंचे, बाबा केदार के दर्शन भी किए, तो अब क्या स्थिति आने वाले समय में आपको लगता है जब बारिश रुकेगी तो सही हो जाएगा और यात्री आ सकते हैं? आप बताएं जरा, मेरे को कैसे लगता है कि बारिश रुकेगी तो यात्री आ सकते हैं लेकिन स्लाइडिंग होगी। अच्छा ठीक है, तो आप लोगों ने यात्रा करी उस समय करी जब स्थिति बहुत बिजी बारिश का समय था, तो आगे आने वाले यात्री आ सकते हैं और थोड़ा सा यात्रा कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर से जो आ रहे हैं वो आराम से जा सकते हैं। तो मैम, हमारे द्वारा जो गाड़ी दी गई थी जो हमारे ड्राइवर थे उनके बारे में भी आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, वो ड्राइवर विनय भैया वो बहुत अच्छे हैं, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, उनका ड्राइविंग करना बहुत अच्छा है, वो बहुत सुंदर ड्राइविंग करते हैं। प्लस हम लोग को बहुत हम लोग जेहेतु लेडीज थे हम लोग को बहुत केयर करके चले हैं, अपने जैसे मान के हम लोग हर जगह सुरक्षित रखे। अच्छा, तो मैम आप भी थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करें, आपको कैसा लगा चारों लोग पूछते हैं? हमको तो बहुत ही अच्छा लगा, हम लोग सोच के आए थे जब केदार जाएंगे, केदार पूरा किए हैं, अमित भैया का पैकेज जो करके गया वो हम लोग को बहुत सुविधा दिया है, सब अच्छा हुआ है, लेकिन टेंट जो है वो थोड़ा सा खराब दिए है। वो उसमें टेंट में भी क्या रहा, जिससे हमने कांटेक्ट किया उनको फोन ऑफ हो गया था, वही खाली थोड़ा मनो को थोड़ा सा खराब था, बाकी जहाँ होटल दिए है कोई जगह खराब नहीं था, फूडिंग लॉजिंग सब ठीक था, व्यवहार भी होटल का आदमी का भी व्यवहार बहुत अच्छा था। एक तो विनय भैया जो है वो तो हम लोग का पूरा केयर कर रहे, जो प्रॉब्लम हो रहा है विनय भैया से फोन कर रहे पूछ ले रहे वो भी है, और अमित भैया से भी पूछ ले रहे हम लोग का जो है दोनों से बात कर ले रहे, प्लस दोनों फोन में अवेलेबल रहते, जो फोन नहीं कर रहे उठा रहे नहीं, दोनों फोन अवेलेबल है। विनय भैया भी बोलिए अवेलेबल है, पूरा कॉन्टेक्ट रात को 12 बजे भी किए उन लोग को, भैया लोग को अमित भैया को भी मिले, विनय भैया को भी मिले हैं, दोनों कॉन्टेक्ट अवेलेबल है। हम लोग जो दूर में है केदार में वहाँ से भी फोन अवेलेबल है। ठीक है मैम, और हम लोग को केदार शांति से बार बार पहला बार जो हम लोग पैकेज कर दिए बोल के विनय भैया छोड़ दिया या अमित भैया छोड़ दिए नहीं, लेकिन बार बार करके पूछ रहे हैं, उन लोग तो फोन में देख रहे हैं क्या परिस्थिति है, लेकिन उन लोग बार बार हम लोग को फोन करके केयर ले रहे पूछ रहे। अच्छा ठीक है मैम, आप भी थोड़ा बताएं, आप तो बंगाली बोलते हैं और बंगाली व्यूअर्स है हमारे हैं जो यात्री आने वाले उनके लिए भी आप बोले कि आप क्या कहते हैं? बर्षाकाले मैं एक असुविधाई हो
কিন্তু এলে কোনো অসুবিধা নেই, আমার তো ভালোই লেগেছে, আমি পেরেছি। আমি 3 কিলোমিটার হেঁটে তারপর ঘোড়ায় উঠেছি, আবার 5 কিলোমিটার ওই ঘোড়ায় নেমেছি। আমার আচ্ছা হুয়া, আমার বহুত আচ্ছা। প্রথমে যখন আমি গেলাম, মানে যখন ওখানে বসেছিলাম, অ্যাক্সিডেন্ট দেখলাম, 4-5টা নিয়ে আসছে লাশ, কিন্তু উসকা বাদ ডর লাগতা হ্যাঁ, তবুও আমি মনের জোরে গেছি, আর যেতে আমার খুব ভালো লেগেছে, আর খুব হেঁটে গেছি, হেঁটে এসেছি। তো আপনি যাত্রী যা রে হ্যায় অক্টোবর মে তো বারিশ শুরু হো জায়েগি, তো যাত্রা কর সকতে হ্যায় আর হামারে সে ভি সম্পর্ক কর সকতে হ্যায়। তো আপ বহুত আচ্ছা বতায়েগি, আপনে জো ভি বঙ্গাল সে আ রে হ্যায়, পশ্চিম বঙ্গাল সে কলকাতা সে, আমরা সবাই কি আপ বতায়েগি আপ হামারে সে সার্ভিস দে সকতে হ্যায়। আপনারা যদি কলকাতা থেকে আসেন, আপনারা সবাই ভালো, বিনোদ ভাইয়া খুব আচ্ছা হয়, মাতাজি বলে সম্মান দিয়েছে মিলন ভাইয়া, আমার খুব ভালো লেগেছে, খুব ভালো। तो आप लोग भी हमसे संपर्क करें। तो मैम अभी आप निकलने वाले हैं, ट्रेन है आपकी, तो फिर कभी भी आना होगा तो आप हमसे जरूर संपर्क करें और हम आगे से और अच्छा आपको सर्विस देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कोलकाता जी के वास्ते हमरा निजे ही अपना कार्ड का उन्होंने के दोबो और ट्रैवल संपर्क उत्तराखंड ओखाने कांटेक्ट करे आपनारा जाबेन, ওনাদের সার্ভিস ভালো, আর বিনয় ভাইয়া ভালো, অমিতদা ভালো, সবাই ভালো, আপনারা গেলে খুব ভালোভাবে যাত্রা করে। আমরা তো একটা পশ্চিম বাংলা থেকে উত্তরাখণ্ড এসেছি, সেখানে হেলথ সার্ভিসটা পেয়েছি, এটাই তো বড় জিনিস। এই এজেন্সিটা খুব হেল্প, খুব ভালো হয়েছে, খুব হেভি ভালো হয়েছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ দাদা, আপনাদেরকে আপনাদের ধন্যবাদ। आगे बजट क्या होगा नहीं है, हम लोग जो अभी किए हैं बजट में बहुत अच्छा, हम लोग का बजट में हम लोग को अभी बैठे कमी नहीं थी, बजट कम था लेकिन सर्विस बहुत अच्छी थी। दोस्तों अगर आप भी चारधाम यात्रा के लिए टैक्सी और फुल पैकेज बुक कराना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपने लिए चारधाम यात्रा के लिए टैक्सी और पैकेज बुक करा सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें, नमस्कार।